केक खाने के लिए। हाँ रोजा रखेंगे कह रही, मैं तो रोजा रखूंगी पर घर नहीं जाऊंगी। पाली गाइस हम आ चुके हैं घर से पालक। गाइस ये रोज अफ्तार कर रहे हैं और करिश्मा ने लिए है गोलगप्पे। तो बोलो तो कुछ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं नगमा ने हमारा बना दिया प्याज पराठा और जो। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ, मैं देखो कितना मोटा दाना निकल गया ठीक है, अच्छे छोटे दाने भी निकल रहे फेस पे इधर भी इधर भी। और ये क्या हो रहा है, कम मुँह देखने क्या हो रहा है, तो लिक्विड कैसे सही कर दो और कमों से मैं काम करा दूँ। अपन तो देखिए जब से तो गाइस मेरी तबीयत खराब हुई है ना, जब से कमों में सारा काम कर करके दे रही है, सारा काम कर करके दे रही है मेरा सारा काम। बदल ले कपड़े चेंज करने गए जानवर और कमों ने मेरे लिए क्या क्या कर दिया मैं दिखाता। तो गाइस करिश्मा ने खाना वगैरह भी बना दिया, बैगन का भरता बनाया है और सानमच की हो रही है तबीयत खराब। ये देखिए लेटा हुआ है और ये आज घर पे है, छुट्टी पे है आज ये, तो ये आज कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे ही है। तो गाइस मैं दोबारा से बोल रही हूँ करिश्मा, तो गाइस करिश्मा ने खाना वगैरह सब बना लिया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। और सानवाज की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो सानवाज लेटा हुआ है और हम जा रहे हैं पार्लर ठीक है। और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। हाँ अनंता घुस गई, ये देखिए गाइस, ये देखिए इन लोगों को, ये हमें कॉल कर रहे हैं बेटाइम, ये बेशरम लोग हैं, ये हमें कॉल करे जा रहे हैं नल्ले ठल्ले बैठे हुए। देखिए गाइस देखिए चलिए गाइस मिलते हैं आपसे पार्लर में। अब हम जा रहे हैं पार्लर, हम भी जा रहे काम धाम। हाँ हैं खाना वाना रख लिया। हाँ सब काम कर लिया। हाँ ठीक है देखो गाइस सारा काम कर लिया आपसे। देखो परसों दीदी का बर्थडे है, जुमे वाले दिन तो ये पागल हो चुकी हैं केक खाने के लिए। हाँ रोजा रखेंगी कह रही, मैं तो रोजा रखूंगी पर घर नहीं जाऊंगी, पार्टी मना कर जाऊंगी। नहीं कह रही मेरे हिस्से का केक थैली में डाल के दे देना। हाँ और ये अपने पापा से केक ऑर्डर करेंगी। दीदी करना कैसे करोगी, करो तो सही, ये पापा बनेंगी ये बेटी। दोनों ने मौन व्रत रख लिया है जी। नहीं, नहीं। नया तो दिया है शुरू ने, अच्छा दिया है। तेरा 14 इंच का है, तो इसका भी 14 इंच का ही होगा। मेरा 14 इंच का है, गाइस हम जा रहे हैं मार्केट में, ये चूल्हा चेंज करने के लिए बड़ा है और ये टोपी भी बड़ी है भाई सानवाज की, तो ये भी चेंज कर लेंगे। और इसके सर में कैसे छोटी आ रही है, मेरे तो फिट आ रही है भाई साहब, मतलब कि हवा जाने तक की जगह नहीं है, इसके बाल छोटे हैं ना। दूसरा तो बना वो सिंगल, और मेरे हिसाब से मेरा दिमाग बड़ा है। हम ऐसे नहीं ओए देख लगाई है अपने सर में ना भैया, मैं सौ रुपए की सही कह रही है, वैसे बात कर रही है अभी, ऐसे लगा रही होता है 100 रुपए की, हाँ 100 रुपए की लगा लिया। अरे मुझ पे तो और भी अच्छा लग रहा है। यो करी टॉपी ओढ़ के सानवा की ढीली आ रही है, मेरी भी तो ढीली है, ढंग से लगाओ ना नीचे करके। उनसे जुड़ा नहीं है क्या? अब तुम जोड़ा नहीं बांधते इसका मतलब क्या, कोई नहीं बांधता कम मुझे कान लग रही है। नहीं ऐसे नहीं लगाते ना, तुम तो घुसड़ा के लगा रही हो, तो तुम्हारे फिट आए गई आके लगते हैं। अरे कल तो हमारे मामा को लेकर आया है, इतना बड़ा जो होता है जलेबी, मोटी वाली जलेबी जो होती है इमरती, जो भी हो इमरती इमरती मोटी वाली जलेबी बोलती मैं से, वो पानी फड़ा हुआ लेकर आया था, अगर 12:30 बजे आया है और हाँ दुआ हो रही है, पता क्या कह रहा है मुझे पता था ना, ये तेरे लाइन लगा के तो मैं 11:30 बजे निकल के भाग जाता दुआ के बाद ही, लाइन लगा दे मांगने वाले का।
गाइस ये रोज अफ्तार कर रहे हैं, कभी बात बोल लो, दुआ पढ़ लो बैठ के लो। तो गाइस अब हो रही है हमारी आइसक्रीम पार्टी, बहुत टेस्टी है। रोजा खोले रोजा गाइस, आपको तो पता ही है हम डेली कुछ ना कुछ हमें चाहिए चाहिए पार्टी के लिए। तो चलो गाइस हम खा के आपसे बात करते हैं, मजा आ गया। नगमा की येरी ना गुस्सा मत होना येरी। फाइनली गाइज हम मार्केट से आ चुके हैं, मार्केट से आने के बाद हमने आइसक्रीम भी खाई थी आपको तो पता है, और अब उसके बाद अब हमारे चल रहे हैं गोलगप्पे और हम कर रहे हैं क्लाइंट का काम। देख सकते हो हमारी क्लाइंट भी बैठी हुई है और छोटी नगमा जा चुकी है। तो गाइज अब देख सकते हैं करिश्मा ने अभी काम करते करते मुझे लगी थी बहुत तेज वाली भूख और करिश्मा ने लिए है गोलगप्पे मेरे लिए, बढ़िया लग रहा है इसके लिए मेरे लिए। बस मैं नहीं खाऊंगी। आप नहीं खाओगे? मेरी हालत देखना कैसी हो रही, तुम कितने साफ लग रहे हो, कितना काले लग रहे हो। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अब पार्लर से घर और हम आपको टाइम दिखाते हैं। गाइज बज रहे हैं रात के 11:30 और हम देख रहे हैं निंजा हथौड़ी। पार्लर से आके बना रही है खाना, कपड़े चेंज नहीं करने? नहीं, ऐसी रात इतनी हो गई है गाइज, बनाते कितना टाइम लग कूड़ा फेंक रही है। और गाइज एक चीज और, आज कम्मा ने मुझे दिलाया चिकन, अब अपना चिकन बना रही हूँ साइड में, कम्मो के लिए बना रही हूँ पराठे। तो पराठे बना रही हूँ मैं, लच्छा पराठा मेरे लिए पराठा बना रही हो? तो गाइस करिश्मा के लिए मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, जो नेट पे करिश्मा ने देखा था। आधे दिन चला रही थी मैडम तो वहाँ पे उसमें लच्छे पराठे की वीडियो आ गई थी, उससे वो प्याज वाला जो मैंने प्याज वाला दिखाया था, तो मैंने कमा यार तूने भी मेरी पार्टी बना दी आज तो फिर। मैं चिकन खाऊंगी तो ये जाहिर सी बात है कमा के लिए वैसे भी। तो कमा उससे कह रही थी मेरे लिए बाबू ये बना दी, और मैं चलो ठीक है बना दूँ। तो मैंने सोचा मैं आज ही क्यों ना बना दूँ, आज लेकी थी। तो उसके लिए देखिए गाइस मैंने ये चाट मसाला, भुना जीरा और मिर्च ले लिए पिसी हुई, थोड़ी सी हल्दी ली है और थोड़ा सा काला नमक, और ये प्याज मैंने कट करके रख ली थी, और ये सारी प्याज इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ठीक है गाइज अब नगमा हमें पराठा देंगी प्लेट में, तब हम आपको दिखाएंगे। ठीक है गाइज अब हम बैठने जा रहे हैं अंदर क्योंकि हम थक चुके हैं। चला रखा है एसी और हम देख रहे हैं निंजा तोड़ी, और नगमा लेकर आएगी हमारी एक खाना, तो हम खाएंगे एंजॉय करेंगे और फिर खाना वाना खा के दूध पी के हम सो जाएंगे क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। ठीक है हम 11:30 बजे आए हैं, माशाल्लाह काम चल रहा था, काम कर रहे थे। ओके बाय गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैंने आटा गूंद कर, आपको तो पता ही है आटा गूंद लिया है, और ये मैंने प्याज में मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब मैंने ये एक लंबी सी रोटी ली है टेढ़ी मेढ़ी भारत जैसी, बना के रही हुई तो बताओ लच्छा पराठा। ठीक है तो आप लोग को भी ऐसे कर लेना है, एक चम्मच लेनी है, मैं दो करिश्मा करे बना रही हूँ बताए। ये देखिए आधी स्टफिंग इसमें डाल दिया है, आधी एक दूसरे के लिए, एक ही खाऊंगी भाजी पराठा तो दो में डाल दो। क्या रोल कर लिया? रोल बन गया ना, रोल बन गया ना। अब इस रोल को ये तेल की डुबलिया थी ना, ये वाली, अरे तेल की डुबलिया, अच्छा ये क्या रख रखा है तुमने? कहा ये तो गाइस हम ऐसा करके इसको तेल लगाएंगे, देखो अच्छा करके, ठीक है तेल लगा दिया हमने, इसको राउंड करेंगे, देख रहे ना बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला। तेल इसलिए लगाते हैं कि लच्छे एक के एक लच्छा खुल जाए, है ना। अब ये हो गया हमारा पराठा पेड़ा रेडी, हम इसमें लगाएंगे ऑयल। का फायदा क्या हुआ है, सब तो पिचक गया ये। हाँ? तो पिचक गया, पिचक गया? हाँ। अभी देखियो तो गाइस ये देखिए हमारा पराठा बेल बुला के तैयार है, अब ये जाने के लिए तैयार है। ये देखो एक तो फट गया जरा,
तो कोई बात नहीं, हम ऐसे करके ढोएंगे इसका पेट में सब भर देंगे। कमियां कमी नहीं दिखाइएगा, खामियां छुपा दो। खामियां से दिक्कत हो सकती है, अनाड़ी समझेंगे तो खामियां छुपा दो। ठीक है, दूसरा पेड़ा तोड़ लिया हमने अब तक, अभी हम इसको ऑयल लगाएंगे। इसका मन नहीं है इसके साथ रहने का, समझ में आई? इस प्याज का मन नहीं है इस पराठे के साथ रहने का। गैस तेज करनी पड़ेगी। तो गाइस तेल लगा के पराठा रेडी हो जाएगा। तेल लगाएंगे, चमकी करेंगे, चमकी बहुत भूख लग रही है मुझे, जल्दी से पराठा बना के दे दो, झटपट डालू। इसको हम करिश्मा की प्लेट में दिखाते हैं, ठीक है? अब बोलो तो कुछ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, नगमा ने हमारा बना दिया प्याज पराठा, और जो हमने अभी टेस्ट करा बहुत टेस्टी है, गरम है और बहुत लाजवाब है। जैसे हमने देखा था ना गाइस वो वीडियो में, मुझे नहीं पता उसका कैसा था, पर मेरा वाला गजब है, एक नंबर, मजा आ गया। आप लोग भी बना के खाए प्याज पराठा, बड़ा टेस्टी है वाकई में, अचार के साथ। अचार नहीं खाऊंगे अब, टेंशन, पराठे बहुत टेस्टी है, हम खाने के बाद आपसे बात करते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस अब बच चुके हैं रात के 1:30 और हमने खाना वाना खा लिया है, और दूध नगमा ने भी खाना खा लिया। देखो नगमा बैठी बैठी सो रही है। तो गाइस हम ब्लॉग यहीं स्टॉप करते हैं। आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कॉमेडी के साथ और कुछ नए नए रेसिपी के साथ। ओके बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।